नमस्कार, मत्ती के 25वें अध्याय के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। और इसके साथ ही हम खत्म कर रहे हैं वो उपदेश यीशु का जो उसके वापसी को लेकर है। हमने ये गजब दृष्टांतों को देखा इसके अंदर, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम यीशु के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में अपना जीवन सही तरह से जी सकते हैं। हमने नूह के दिनों को देखा, हमने दो आदमी और दो औरतों के दृष्टांत को देखा, चोर के दृष्टांत को देखा, दास के उस दृष्टांत को देखा जिसे सरदार बना दिया गया था, बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों को देखा, तोड़ों के दृष्टांत को देखा, और अब चर्चा कर रहे हैं उस अंतिम दृष्टांत के बारे में जहां यीशु बकरियों और भेड़ों को अलग करते हैं। इन सब दृष्टांतों से हमें यह समझ में आता है कि कैसे पुनः आगमन का यह सच हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और इस बकरी और भेड़ के दृष्टांत से हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमें उन लोगों की सेवा करनी चाहिए जो कष्ट में है। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वासी इतना अधिक स्वर्ग स्वर्ग करते हैं कि इस पृथ्वी पर वो किसी काम के ही नहीं रह जाते, परंतु यह दृष्टांत हमें बताता है कि स्वर्ग की तरफ नजरें दरअसल हमें इस पृथ्वी के लिए और अधिक उपयोगी बनाती हैं। यीशु कहते हैं कि आपकी नजर इतनी ज्यादा स्वर्ग के राज्य के ऊपर होनी चाहिए कि आप अपने आस पास के लोगों की सेवा करो। अगर आप इस दृष्टांत में देखेंगे तो बकरी और भेड़ दोनों ही अचंभित हो जाते हैं। तो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे पर उन्हें पता ही नहीं था कि वो ऐसा कर रहे थे, और जो नहीं कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि वो परमेश्वर की सेवा करने से चूक रहे हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि कई बार हमारे सामने मौके होते हैं सेवा करने के, परमेश्वर की सेवा करने के, पर हम उसको पहचानने से चूक जाते हैं। पर 40 में यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। वही पर 45 में कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे छोटों में किसी के साथ नहीं किया वह मेरे साथ नहीं किया। तो यीशु सिखा रहे हैं कि अपने जीवन को उपयोगी बनाओ, उसकी सेवा करके करो जो छोटे से छोटे हैं। अब कौन है छोटे से छोटे? वे लोग जिनको आप आसानी से नज़रअंदाज कर जाते हो, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो अकेले हैं, जो जेल में हैं। ये वो लोग हैं जो आपके उपकार के बदले आपको कुछ भी नहीं दे सकते। वे लोग आपके जीवन को किसी भी तरह से बेहतर नहीं बना सकते, पर आप उनकी सेवा करके उनके जीवन में एक बदलाव ला सकते हो। आप देखोगे कि स्वर्ग के राज्य में इनाम उनके लिए है जो उन लोगों की सेवा करते हैं जिनको दुनिया नज़रअंदाज करती है, दुनिया फेंक देती है। दुख की बात है कि हम दुनिया के दिन लोगों के बारे में योजनाएं बनाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम योजनाएं बनाते हैं पर कुछ करते नहीं हैं, गोष्ठियां करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं पर कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आराम की जगह को छोड़कर हम वास्तविक रूप में कुछ करना चाहते ही नहीं है। हमें अपनी आराम की जगह को छोड़ने में डर लगता है। हम नहीं चाहते कि हम उस जगह पे जाए जहां पे वो लोग हैं, क्योंकि वो जगह हमें डराती हैं। एक पुरानी कविता है जिसका अनुवाद कुछ इस तरह से है कि हे विश्वासी, मैं भूखा था और आपने मेरी भूख के बारे में चर्चा करने के लिए इंसानियत का एक क्लब तो बनाया, उसमें बातें की मेरी भूख के बारे में। मैं कैद में था, आप चुपके से अपने कमरे में घुसकर मेरे छोड़े जाने की रिहाई के लिए प्रार्थना करने लगे। मैं नंगा था और आप मेरे रूप, मेरे नग्न रूप की नैतिकता के बारे में वाद विवाद करते रहे। मेरे पास रहने को घर नहीं था और आप परमेश्वर की प्रेम की छत्र छाया में रहने का भाषण देते रहे। मैं अकेला था और आप मुझे अकेला छोड़कर मेरे बारे में प्रार्थना करने चले गए। आप इतने पवित्र, इतने परमेश्वर के करीब दिखते हो पर मैं अब भी भूखा हूं, अकेला हूं, नंगा हूं। यहां इस दृष्टांत में यीशु लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनकी जरूरतों को आप पूरा करो शारीरिक रूप से, वास्तविक रूप से। कौन है जरूरतमंद आपके आसपास? नजर दौड़ाइए, कौन है जो भूखा है जिसे आपके पास आज सामर्थ है खाना खिलाने की? कौन है जो प्यासा है जिसके आप उसे पानी पिला सकते हो? कौन है जो अकेला है जिसके पास कोई नहीं है, आप उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हो? कौन है जो बीमार हो जिसको आपकी सेवा की जरूरत है?
हो सकता है बीमार है, आप उसको डॉक्टर, वो अपने इतना इतना कमजोर है कि डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता, आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, छोटी सी चीज़ है ना। कौन है जो वृद्ध है, बूढ़ा है, आप उसकी देखभाल कर सकते हो, उसको प्यार दे सकते हो। अगर आप अपनी तरफ नजरें दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे लोगों की कमी नजर नहीं आएगी। पर हर एक ऐसे व्यक्ति के अंदर यीशु परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, इन सब के लिए स्वर्ग के राज्य में आपके पास इनाम है। पर आप ये क्यों करते हो? इनाम के लिए नहीं, ये आप करते हो क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उन तमाम चीजों से प्रेम करते हो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। और पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के हृदय में केवल दुखी लोग बसते हैं, वो जो अनाथ हैं, जो विधवाएं हैं, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, परदेसी हैं, बीमार हैं, क्योंकि परमेश्वर इन सबका परमेश्वर है। और जब हम यीशु के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, अंत का और स्वर्ग के राज्य में के आरंभ का प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारा हृदय उन लोगों के लिए धड़कना चाहिए जो परमेश्वर के हृदय में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमारी नागरिकता उस स्वर्ग के राज्य की होनी चाहिए, इस दुनिया की नहीं। अपनी काबिलियत, धन, अपनी ताकत, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे निवेश कहां करेंगे? ऐसी जगह पर उसे निवेश करिए जहां पे वो केवल बढ़ेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और यह नहीं कि हमें उन कुंवारियों के से जो दुल्हों का इंतजार कर रही थी, जो किसी भी वक्त आ सकता था, याद रखिए इस में हमें उस सेवक की तरह हैं हम, उस दास की तरह जिसे बाकी नौकरों के ऊपर सरदार ठहराया गया था। इसलिए नहीं कि वो उनके ऊपर अत्याचार करे, उनके ऊपर हुक्म चलाए, पर इसलिए कि समय पे वो उन्हें भोजन दे सके, उनका ख्याल रखे। आप सरदार बनते हो, आप अगुवे बनते हो लोगों की सेवा करने के लिए, उन पर हुक्म चलाने के लिए नहीं। और जब स्वामी हमारा प्रभु यीशु आएगा तो हमें ऐसा करते हुए ही वो पाए, हम इस दुनिया में इतने ना उलझ जाएं कि जो महत्वपूर्ण बातें यीशु ने हमें बताई है उसको करने से हम चूक जाएं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि वह हमें ऐसा करने में मदद करता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाही में, उसकी सामर्थ्य में हम यीशु के पुनः आगमन के लिए तैयार रहें, एक प्रतीक्षा वाला जीवन जिए, सतर्कता के साथ जिए। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, हम विश्वासी, हम तेरे पे विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं तेरे प्रेम पर जो तूने लहू क्रूस पर हमारे लिए बहाया, उस पर विश्वास करते हैं। और क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया, ये हमें बाध्य करता है तेरे से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। और तेरे दिल में वो लोग बसते हैं जो दीन हैं, जो दुखी हैं, जो छोटे छोटे हैं इस दुनिया में, इस समाज में। हम तेरी सेवा करना चाहते हैं पर कई बार हम इस मौके से चूक जाते हैं क्योंकि हमारे दिल में उन लोगों के लिए जगह नहीं होती, उन लोगों के लिए सहानुभूति नहीं होती, करुणा नहीं होती जिनसे तू प्रेम करता है, तू प्रेम करता है। हमारे दिल के अंदर आज वो इन लोगों के लिए वो करुणा डाल जिनको हमारी ज़रूरत है। हो सकता है कि मेरे पास आज वो पैसा नहीं है, मैं पैसों से मदद नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे पास ताकत दी है, मेरे पास ये जीवन दिया है जो अकेला है उसके साथ मैं कुछ समय बिता सकता हूँ, उसका अकेलापन दूर कर सकता हूँ। शायद किसी को मैं एक वक्त का खाना खिला सकता हूँ, जो बीमार है उससे मैं मिलने जा सकता हूँ, जो बंदी गृह में बंद है, कैद है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ शायद दोष किया हो इसलिए वो दंड भुगत रहे हैं, फिर भी परमेश्वर क्या हम जा सकते हैं उनके पास? हमें उनके पास भेज कि हम तेरे प्रेम और अनुग्रह को उनको बता पाए जिससे उनके जीवन में एक बदलाव आए। हम नहीं जानते परमेश्वर की इतनी जरूरतें हैं, हमें वो जरूरतों को देखा क्योंकि जहां पे